तो जैसे कि आज हमारे ऑफिस इनोवेशन के शुभ अवसर पे ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अच्छी नालों मीडिया जी भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, आप यहाँ पे आके दो शब्द हमें संबोधित करें। श्री नालों मीडिया जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ मैं पहली बार बासर में बीजेपी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, स्थापना हुआ। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच मौजूद प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जोराम वागे जी, यहाँ के डायनेमिक और होनहार वेरी सिंसियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री चोन्या बासर जी, इस सारे पार्टी के एक्टिविटीज गतिविधियों को जो नेतृत्व दे रही है, यहाँ के डायनेमिक एंड नारी शक्ति का एक बहुत ही अच्छा विशाल चेटपीसी मैडम याबी दिर्ची जी, और स्टेट से अध्यक्ष जी के साथ आए हुए स्टेट के सेक्रेटरी अशोक संशोधु जी, स्टेट के सेक्रेटरी तोको याबा जी, स्टेट के एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हिन्यम दाचू जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी श्री तोमी हैदर जी, और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोरी रिबा जी, एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट यामक डोलम जी, दोयुम जी, किनबी बासर जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर तके याना जी, हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर किसान मोर्चा के देवी बदर जी अभी यहीं के त्रिविध सर्कल की, और टीआरओ तो प्रेसिडेंट बंगराम नाथुम जी मेरे छोटे भाई, हमारे यहाँ के स्थानीय नेता और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और नेता भी कहूँगा मेरे बड़े भाई आशीष और पुलसोरा जी, और यहाँ के यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हमारे तिरपिन के जिला परिषद मेंबर न्योरी जिले जी, और हमारे मेंबरशिप के कन्वेनर स्टेट के दिलीप गांधी जी, और जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियाँ हैं और हमारे कार्यकर्ता गण हैं और भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा आज का दिन एक अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपका एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक फोकल पॉइंट हुआ, एक शक्ति केंद्र हो गया, मैं तो ये कहूँगा जिला, क्योंकि आपका एक कार्यालय पार्टी का आज स्थापित हो गया। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं पार्टी के विषय में बात करूँगा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं वो MLA भी है, सरकार का जो स्टेट और मोदी जी का जो वक्त दिया है उस वक्त प्रकाश होगा। बीजेपी में चार चीज़ बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। वन इज कार्यकर्ता, सेकेंड इज कार्यालय, थर्ड इज कोच, फोर्थ इज कार्यक्रम। पार्टी तभी चलता है, स्ट्रांग होता है जब कार्यकर्ता होता है, लेकिन कार्यकर्ता तभी काम कर पाएगा जब कार्यालय होता है। कार्यालय तभी चलेगा जब कोष होता है, कोष मीन्स फंड, फाइनेंस, और कार्यकर्ता क्या करेगा वो कार्यक्रम करता है। इसलिए थ्री केस इसको हम या फोर केस जिसे हमें क्रम कहते हैं हमारे यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कोच। कार्यालय एक गैदरिंग पॉइंट होता है, कार्यकर्ता मेन पावर होता है, कार्यक्रम एक्टिविटीज होता है, और कोच होता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हर कोई भी काम के लिए, हर काम के लिए फाइनेंस जरूरी है। तो ये जो चार चीज़ें हैं मिलकर संगठन को मजबूत बनाती है। तो इसीलिए आप लोग सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपका जो ये पोर केस सब कंप्लीट हो गया, अभी आपके पास कार्यालय भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है और कोच भी है।
क्योंकि हम अभी सरकार में। मैं उस दिन गया था गुवाहाटी में, अध्यक्ष जी ले गए हमें और हमारा मीटिंग हुआ है बीएल संतोष जी के साथ। बीएल संतोष जी हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली बार गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का स्टेट का आठ प्रदेशों का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का मीटिंग हुआ। उसमें एक चीज ये बताया कि अभी कंसेशन का टाइम ओवर हो गया। उसका मतलब ये कि अभी से लेकर चुनाव तक हम उस लगातार निरंतर मेहनत के साथ हमको अभी काम करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ गया, आने वाला है। अभी सिर्फ 18 मंथ ही बचा है, देखते देखते सिर्फ एक साल ही रह जाए। तो एक साल होने आते आते तो चुनाव का मोड में पार दिया जाता है और अभी से ही प्लानिंग शुरू हो गया। अभी से ही वहाँ पे नेशनल लेवल में डिस्कशन तो शुरू हो गया और यहाँ में भी स्टेट में भी सभी कार्यकर्ताओं को अभी सतर्क होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा क्योंकि अभी से बहुत सारा एक्टिविटीज आएंगे। तो इसलिए मीटिंग होते रहे। बीजेपी में एक चीज़ है, आप लोग देख रहा हो कि हम मीटिंग एंड मीटिंग होते रहते हैं। तो ये बातें हमें भी बताता है ऊपर से नेशनल लेवल से कि बीजेपी में मीटिंग क्यों होता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग इसलिए होता है, हम एक साथ हैं, वी आर टुगेदर बिकॉज वी आर मीटिंग ऑल द टाइम। इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीजेपी में। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मीटिंग। हम मिलते रहते हैं इसलिए हम एक साथ हैं। अगर हम नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा तो हम बिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बीजेपी। और कई तरह का मीटिंग होता है बीजेपी में। नेशनल में नेशनल लेवल मीटिंग होता है, नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग होता है, नेशनल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग होता है, नेशनल कोर कमेटी का मीटिंग होता है, फिर नेशनल प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरीज का हर दो हफ्ते में मीटिंग होता है और नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, नेशनल काउंसिल मीटिंग होता है। तो कई तरह का मीटिंग होता है। फिर कुछ पॉलिटिकल मीटिंग होता है, पब्लिक रैली मीटिंग होता है, इस तरह से इंटरनल ऑफिस मीटिंग होता है। स्टेट में भी वही कोर ग्रुप मीटिंग होता है, स्टेट ऑफिस लीडरशिप मीटिंग होता है, फिर हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, मंडल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, ज्वाइनिंग मीटिंग होता है। ऊपर से रेगुलरली टाइम टू टाइम हमें प्रोग्राम भेजते रहता है, उसके विषय में मीटिंग होता है। लेकिन ये मीटिंग से ही बीजेपी आगे बढ़ते जा रहा है। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, जो बीजेपी का जो संख्या है, नंबर है, जो वो बढ़ते जा रहा है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए आज बीजेपी के पास 303 MPs है, मोर देन 1500 MLAs हैं और कई सारा कॉरपोरेटर्स काउंसिलर अनगिनत हो गया। आज के तारीख में अरुणाचल प्रदेश में भी 49 MLAs हैं हमारे, ZPMs 200 ZPM हो, अबाउट 200 ZPM, 24 ZPCs तो हमारा ही है, अभी 25 होने वाले हैं। तो आज के तारीख में हमारे स्ट्रेंथ वो है। आज के तारीख में अरुणाचल प्रदेश में 350,000 रजिस्टर्ड प्राइमरी मेंबर्स हैं बीजेपी के, और अरुणाचल का टोटल वोटर्स कितना है, 8 लाख लास्ट इलेक्शन में, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटर्स आर बीजेपी प्राइमरी मेंबर्स। जो वेल विशर से बाहर से वोट करते हैं उसको तो गिना नहीं है, ये रजिस्टर्ड वाला है जिसका डेटाबेस हमारे बेलीगली के पास है। अभी तो इसका हम लोग फिर से ड्राइव शुरू किया नहीं, फिर से ड्राइव जब शुरू करेगा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मीटिंग करते रहते हैं बीजेपी। मीटिंग से आपको दो चीज़ आपको सीखने मिलता है, लाभ मिलता है। एक है कि आप मीटिंग करते रहने से एकजुट हो जाता है, दैट इज ऑब्वियस। दूसरा है कि मीटिंग से ही आप हमारा पार्टी का जो कार्य पद्धति है, काम करने का जो तौर तरीका है, प्रोसेस है, सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, इसको आप जानते हैं। सो देयरफॉर मीटिंग इज अ ट्रेनिंग इन बीजेपी। ये एक तरह का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। इसलिए आप लोग जब भी मीटिंग होना है, होता है तो आना है, सिंसियरली सुनना है। शुरू शुरू में आप थोड़ा बोरिंग होगा, अरे मीटिंग मत क्या बोलते रहे, लेकिन जैसे जैसे आप बीजेपी का काम करने का हमारा वर्किंग सिस्टम होता है और हमारा वर्क कल्चर को आप जानेगा और हमारा विचारधारा को जब जानेगा, आइडियोलॉजी को,
और हमारा प्रिंसिपल सिद्धांत सिद्धांतों को आप जानेगा तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तब क्या होता है, हमारा असी गौतम सोरा जैसे आप 20-25 साल तक बीजेपी में ही रहेगा, हमारा माननीय अध्यक्ष जी जैसा बाकी जी जैसा 22-23 ईयर्स आप बीजेपी में रहेगा। वंस बीजेपी का जब ट्रू वैल्यूज आपके मन के अंदर घुसने के बाद वो तभी घुसेगा जब आप रेगुलरली ऐसे मीटिंग में आएंगे, वैलीज में आएंगे और सीनियर्स का नेताओं हमारा जो पार्टी का जो सीनियर्स हैं जो नेताएं हैं उनका आप जब भाषण मार्गदर्शन आप जब सुनेगा। तो इसीलिए बीजेपी में मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आप सबसे आग्रह है जब भी बीजेपी मीटिंग करता है आपको आना है। फिर दूसरा है कि बीजेपी में टूर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिंग करना जिसको हम प्रवास कहते हैं। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू टूरिंग, यह हमें सब लोग टूर करते हैं। एक चीज आप लोग साफ साफ देख रहा होगा आजकल कितना यूनियन मिनिस्टर आते हैं, आज भी नमसाई में आया हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यू नो डोनर नोटिस का जो मिनिस्ट्री है उसका डोनर मिनिस्टर MOS आया हुआ है, फिर आ रहा है नेक्स्ट मंथ इन ऑल लाइक मोदी जी भी आएंगे प्राइम मिनिस्टर। एक ऐसा दिन था, दिस इज अबाउट 2 महीने पहले की बात है, एक दिन में अरुणाचल प्रदेश में 7-7 यूनियन मिनिस्टर आए अलग अलग जगह। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग, ये बीजेपी का वर्क कल्चर। बीजेपी में भी ऐसे ही तोड़ कराते हैं नेताओं को। अभी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी है हर जिला को विजिट कर रहा है, हो सके हर मंडल। हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दिलीप सैकिया जी है हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करना है, हो सकने से हर मंडल जनरल सेक्रेटरी में आधे से ऊपर से कि जनरल सेक्रेटरी दो है हम दोनों हर मंडल को विजिट करना है, वो भी अलग अलग। और विजिट करके ये नहीं कि आप फूर्ति करेगा वो करेगा गाना गाएगा वो करेगा, ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर मीटिंग होता है, किसको मिलना है, कौन सा लेवल आदमी को मिलना है, कितना फ्रिक्वेंसी में मिलना है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आते हैं। जैसे कि इलेक्टेड ZPC को हम लोग मिलना है, ZPM को मिलना है, अपना पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलना है, फिर अपना बूथ लेवल प्रेसिडेंट को मिलना है। और ये सेम कार्य है जो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नेशनल लेवल को भी दिया जाता है। इसलिए बीजेपी में VIP कल्चर नहीं होता, कौन बड़ा कोई बड़ा है कोई नीचे है ऐसा नहीं है। आप मंत्री बन गए तो आप बड़ा हो गए, आप हमसे बड़ा है, आप VIP है, ये वो सिस्टम वो वैल्यूज नहीं, वो मूल्य बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में आप आज मंत्री हैं, आप अध्यक्ष हैं, आज इट्स अ डेपुटेशन। आज आप पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आप कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता है, अमित शाह, JP नड्डा, BL सत्तो जी सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता होने के बाद वो पदाधिकारी, हाँ आज कोई गृहमंत्री है, आज कोई प्रधानमंत्री है, आज कोई मुख्यमंत्री है, कल वो नहीं होगा दूसरा आएगा डेपुटेशन में, फिर पार्टी में वो वापस आएगा। इस तरह का ही भावनाएं, इस तरह का ही सोच बीजेपी में रहता है। इसीलिए यहाँ में VIP कल्चर में प्रधानमंत्री को भी प्रवास करना पड़ता है, JP नड्डा को भी करना पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं कि हर समय कहीं ना कहीं जाते हैं। टूर करने से क्या होता है, प्रवास करने से क्या होता है, आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको ग्राउंड रियलिटीज पता चलता है, आपका संपर्क ग्रास रूट्स लेवल से हो जाता है। और जब नेशनल लेवल का लीडर जैसे कि दिलीप सैकिया जी आए लोंगडिंग में आए, अध्यक्ष जी लोग गए बूथ लेवल प्रेसिडेंट में के घर जाकर उन्होंने चाय पिया खाना पिया, तो आप सोच कर कल्पना करके देखिए कितना उसको इंस्पिरेशन मिलता हो जब नेशनल लेवल का लीडर टॉप मोस्ट लीडर जाके सबसे लोएस्ट ग्रास रूट लीडर को मिलता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, इंस्पायर हो जाता है हमारा कार्यकर्ता, शक्ति का जो हमारा नेता है वो शक्ति का स्रोत बन जाता है, प्रोत्साहित कर देता है कार्यकर्ता को। तो इससे और एक मैसेज जाता है, अरे बीजेपी में तो ऐसा है कि बीजेपी में टॉप मोस्ट लीडर ग्रास रूट का जो लोग है उसको भी ख्याल करता है, इसलिए उनको विजिट करता है। ये तो एक
अलग सा पार्टी है, इस तरह का एक मैसेज और एक छवि बन जाता है। तो दैट इज व्हाई बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। तो अभी इसलिए यही जो वोक कल्चर है गवर्नमेंट में भी आ गया है, क्योंकि हमारा ही कार्यकर्ता अभी सरकार चला रहा है, इसलिए हमारा ही कार्य पद्धति या कार्य पद्धतियां भी वहां पे लागू हो रही है। इसीलिए आप देखिए डीसी साहब का भी हर समय डीसी होता है, जैसे प्रेसिडेंट का हर समय होता है, हमारा होता है अलग अलग विषय पे। हर ऑफिसर को रिपोर्ट भेजना पड़ता है, हर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हर एचओडी को डीसी करना पड़ता है, रिपोर्ट देना सदर करना पड़ता है। दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोस बिकॉज प्रधानमंत्री ऐसा है, गृह मंत्री ऐसा है, डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है, और उनको भी दौर करना पड़ता है। आप देख रहे होंगे बीजेपी सरकार आने का, मोदी सरकार आने का बाद कितने मंत्री, कितना मुख्यमंत्री को आपने फॉरेन कोर्ट में जाते हुए देखा है, कितना मिनिस्टर विदेश जाता है, वेरी लिमिटेड, बहुत कम। पहले समर आते ही कांग्रेस के जमाने में ऑल इंडियन मिनिस्टर विल बी इन यूरोप टूर और यूएस टूर, वो होता था। अभी ऐसा है, अभी जब तक पीएमओ से अप्रूवल नहीं होगा और आपका विषय वाकई में इंपॉर्टेंट नहीं होगा और देश के हित में नहीं होगा, नो फॉरेन टूर्स। तो दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट, ये हमारा जो गवर्नेंस इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट है। तो हमारा पार्टी का ही जो वैल्यू सिस्टम है, पार्टी का ही काम करने का जो तौर तरीका है, वो सरकार में भी आ गए। इसीलिए अभी मोदी जी का सरकार भी, पेमा खांडू जी का सरकार भी काफ़ी उपलब्धियां कर रहे हैं और देश बदल रहा है। तो पार्टी में कुछ रूटीन एक्टिविटीज होते हैं जो आप लोग को करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रूटीन एक्टिविटीज आप नहीं करेंगे, पार्टी एक साथ आने का एक बहाना या एक कार्य, एक रीजन, एक वजह नहीं होता है। ऐसा ही एक रूटीन एक्टिविटी है मन की बात, जो बूथ लेवल एक्टिविटी है। बीजेपी में यह कहता है बूथ जीता तो चुनाव जीता है, इफ यू विन द बूथ यू विन द इलेक्शन, क्योंकि वोट कास्टिंग बूथ नहीं होता है। इसलिए वोट जीता तो वोट जीता, चुनाव जीता है, इसलिए मेरा वोट सबसे मजबूत बोलकर एक हमारे यहाँ नारा है और एक अप्रोच है, इसको हम बरकरार रखना है, इसको हम कंटिन्यू करना है। और इसको करने के लिए बूथ लेवल में एक्टिविटीज होना पड़ेगा। एक तो है कि हमारे नियम से, हमारे कार्य पद्धति के हिसाब से बोलने से बूथ लेवल मीटिंग हर सप्ताह होना पड़ता है। बूथ प्रेसिडेंट, बूथ का सेक्रेटरी, बूथ का मेंबर और बूथ का जो बूथ लेवल एजेंट जिसको बोलता है, सब मिलकर हर वीक बूथ का मीटिंग करना पड़ता है। इसीलिए मेरा यहाँ से, मेरा आप सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनल मसल जी और जेपीसी मैडम, अभी आप दोनों बूथ लेवल कमिटीज को स्ट्रांगली बनाइए और अच्छा से उनको ट्रेनिंग दीजिए और हर समय उनको मीटिंग लीजिए। और आप दोनों टोर में हर समय रहना है, डिस्ट्रिक्ट का टोर में रहना है और हर बूथ को विजिट करना है। तो वन ऑफ द मेन एक्टिविटीज जो बूथ को करना है, वही मन की बात। तो मन की बात लास्ट संडे ऑफ द मंथ में आता है, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार ने क्या क्या किया है और क्या क्या यूनिक अचीवमेंट है और लोग अपना ही बल से मिलकर क्या कुछ परिवर्तन यूनिक चीज कर रहा है, वो सबको बताते हैं। आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कितना बार मेंशन किया गया है मन की बात में? मन की बात कौन 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 सुनता है? हर उधर पता देखा मन की बात। ओके, अरुणाचल प्रदेश को कितना बार प्रधानमंत्री ने मेंशन किया मन की बात, किसको पता है? तो पता है, बताइए कितना बार मेंशन किया है? लेकिन दो बार, दो बार सुना है, तीन बार मेंशन किया है। फर्स्ट कोविड 19 का जो निरव बस्ती में इस श्याम में उन्होंने जो बनाया था, वो क्या होता है उसको रेस्टिंग प्लेस हार्ट बनाया था, फिर एयरगन सरेंडर अभियान को भी मेंशन किया है, एंड लेटेस्ट उसने जोरसिंग बस्ती में मोबाइल टावर लगाया है, जो श्याम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जोरसिंग, उसको मेंशन किया है। तीन बार हो जाए
मन की बात इसलिए हम लोग एम्फसाइज कर रहा है और पार्टी हाई कमांड इसलिए बार बार इसको जोर दे रहा है क्योंकि मन की बात को सुनने से बूथ स्तर तक राष्ट्र तक प्रधानमंत्री का कम्युनिकेशन हो जाता है। सेकेंडली बूथ लेवल में एक एक्टिविटी होता है इसलिए, लेकिन इसमें क्या होता है, देयर इज एन इंपेडिमेंट। आप बोलेगा बूथ लेवल मेंबर्स को मन की बात सुनो, वो कहते हैं नेटवर्क नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो हमने ये सजेस्ट किया था तो रेडियो देना है, इसलिए पार्टी ने जब सजेशन दिया तो कई एमएलए लोग ने मिलकर रेडियो क्रिएट कर दे दिया है। तो आप लोग से मेरा यही विनती है कि हर बूथ में एक एक रेडियो दे दीजिए और उसका बूथ मन की बात का एक कन्वेनर आप यहाँ बनाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसको मॉनिटर करना है, हर संडे से मिले हर बूथ में कॉल करना है और उसको सुनने के लिए उनको रिक्वेस्ट करना है। तो ये रहा हमारा बूथ लेवल एक्टिविटीज का। और फिर अपना बूथ सशक्तिकरण अभियान तो चल ही रहा है, तो बूथ सशक्तिकरण अभियान के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। अभी क्या है, लास्ट इलेक्शन गावाद में सर्वे हुआ है पार्टी का कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस जिस बूथ पे हम कमजोर हुआ है, हमको कम वोट मिला है, उस बूथ को फोकस करके वहाँ में आप पार्टी का एक्टिविटी शुरू करना है और लोगों से इंटरेक्शन करना है। और हमारा जितना भी स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं मोदी सरकार और तेमा सरकार, उसको बताना है और उनको इन्फ्लुएंस करके वहाँ का जो हमारा शक्ति है, प्रेजेंस है, उसको बढ़ाना है। तो मेरे जहाँ में एमएलए नहीं है, पार्टी ने ये डिसाइड किया था, पार्टी का ऑर्डर ये था, जहाँ एमएलए नहीं है अपना बीजेपी का, वहाँ में जो लास्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया था वो लीड करना है, ठीक है, वो लीड करना है। और जहाँ अपना एमएलए है, जैसे कि हमारा वागे जी का भी हो गया है, वो बूथ सशक्तिकरण अभियान 10 बूथ वहाँ से आइडेंटिफाई करके भेजा है कि जहाँ जाकर एक्टिविटी करना है। और जहाँ में कॉन्टेस्टिंग भी, अब जैसे कि आपका लेपारादा में कॉन्टेस्टिंग तो अभी वो एक्टिव नहीं रहा पॉलिटिक्स में, तो जिसका नेतृत्व बीजेपी का पार्टी में तो जगदीशी मेरम पर आ गए हैं, इसलिए आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बूथ लेवल एक्टिविटी को आप जोरदार से कीजिए और जहाँ जिस जिस बूथ को आइडेंटिफाई किया है, 10 बूथ होगा, वो आपका डेटाबेस मिल जाएगा स्टेट ऑफिस से या नानी लाजी साहब से, वो कन्वीनर है, वहाँ जाकर आप लोग पार्टी का एक्टिविटी करना है, इंटरेक्शन करना है लोगों से। तो आपका यहाँ का बूथ सशक्तिकरण अभियान का भी काम पूरा होगा और उस एक्टिविटी को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों ही लेना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा जाते जाते मैं लेफारादा का पार्टी का विषय में लेकर बताना चाहूँगा। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा, कल रात भी लास्ट टाइम जब वागे जी हम दोनों आए थे, हम दोनों ने देखा कि यहाँ तो अपना एमएलए तो नहीं है, और फिर यहाँ में जो कंटेस्टेड एमएलए था जो लास्ट टाइम, वो ऑलमोस्ट डोमिनेट हो गए, तो फिर यहाँ में अपना एक जगदीशी उभर के आ गए, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड मेंबर में वही है यहाँ हमारा पार्टी तरफ से जनप्रतिनिधि है। तो यहाँ का जो भी नेतृत्व करने के लिए वागे जी ने भी सलाह दिया था, तो अभी आके देख रहा है पार्टी यहाँ, एक साल पहले जब हम आए थे और आज के तारीख कंपेयर करेगा तो इतना आगे बढ़ गया है कि यहाँ कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पार्टी काफ़ी आगे बढ़ गया और यहाँ आने वाले दिनों में पार्टी रंग लाएगा यहाँ। तो इसलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, सभी आज भी जो ज्वाइन किए हैं, आपको सभी को बहुत बहुत वेलकम। और आज आप ऐसा पार्टी में ज्वाइन किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, जिसका नेतृत्व दुनिया का सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और प्रदेश लेवल में जिसका नेतृत्व हमारा इंडिया का यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर यशस्वी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी दे रहा है, और पार्टी लेवल में हमारा प्रदेश के सीनियर मोस्ट पार्टी का सदस्य भी है और डायनेमिक यशस्वी, एंड जो पार्टी को एज ए टीम ले जाने वाला ज्योरा वैसगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसलिए पार्टी इसके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ गया है। जब पी एस ए हमारा जो पंचायत इलेक्शन भी ऑलमोस्ट हम 80-85% हम लोग जीता है इनके नेतृत्व में, पंचायत जीतना मतलब जनरल जो असेंबली इलेक्शन है वो तो जीतेंगे, तो वो है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप अच्छा से रहिए, मिलकर रहिए, आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ ये जो टीम है ये जरूर सफल होगा यहाँ। और हमारा स्टेट की तरफ से तो अभी तो हमारे यहाँ का जो स्थानीय नेता जो है वो जगदीशी मेडम ही है, तो प्रेसिडेंट को हमारा हर समय सपोर्ट रहेगा पार्टी की तरफ से,
और हम देखकर गर्व हो रहा है कि पार्टी जनरल बासर जी के नेतृत्व में और हमारा जेपी सिंह मैडम का सहयोग से काफ़ी आगे बढ़ गया। इसलिए इस बात पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अच्छा लगा यहाँ आकर, जब भी बासर में आता है आप लोग का जो रिसेप्शन हॉस्पिटल इतना अच्छा आता है कि हम लोग ही शर्मिंदा हो जाता है। यहाँ हर समय आज से कुछ ना कुछ दे देता है, कुछ ना कुछ पहना देता है और खाना पीना पार्टी जो यहाँ का जो डिनर है इतना शानदार होता है और हर समय मुझे खाना तो खाना ही पड़ता है वो भी अच्छी बात है। इसके यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है और आशा करता हूँ फ्यूचर में भी हम यहाँ फिर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरे बात को मेरे वाचन को मैं यही विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।